शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, हमारे साथ शाश्वत भाई फिर से आ चुके हैं जो कि करोड़ों रुपए ट्रेडिंग से कमाते हैं, और आज हम भाई से जानेंगे उनके ट्रेडिंग सीक्रेट्स, और आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। तो भाई, सबसे पहले तो हमारी जितनी भी ऑडियंस है, आप उनको बताइए यार, ये ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, ये होता क्या है? हाय एवरीवन, माय नेम इज शाश्वत अमरेव। आज का जर्नी हम स्टार्ट करते हैं, ऐसा समझ के चलते हैं हमारी ऑडियंस को कुछ नहीं आता, ठीक है, और अगर वो लॉसेस में हैं तो भी हम उनकी हेल्प करेंगे। शेयर बाज़ार क्या है, हम एक ना छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक ब्रेड का पैकेट, 10 slices होते हैं। सिंपली एक कंपनी होती है, एक ऐसी कंपनी होती है, उस कंपनी के अंदर भी कुछ शेयर्स होते हैं। अब जैसे एक ब्रेड को मैं अगर 10 लोगों को दूँ तो एक एक स्लाइस उनको चले गया, बट यहीं पर कंपनी के तो 10 टुकड़े नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सबको चाहिए, करोड़ों को चाहिए, तो करोड़ों टुकड़े होते हैं। उस एक छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं एक शेयर। अब इसी शेयर की खरीदी और बिक्री होती है, कोई सस्ते में खरीदता है, कोई महंगे में खरीदता है, कोई महंगे में बेचता है, कोई सस्ते में बेचता है, जो भी होता है, यहाँ से बनते हैं पैसे। गांधी जी यहाँ से आपके पास आते हैं। अच्छा, तो फिर ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग क्या होती है और लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, इस पे मैं आता हूँ। सबसे पहले आपको समझना है बाजार क्या है। बाजार एक ऐसी जगह है, सुपरमार्केट जैसा। आप सुपरमार्केट में जाके ब्रेड खरीदते हो, यहाँ जाके आप शेयर खरीदते हो। सुपरमार्केट में आप अच्छा सा सुपरमार्केट देखते हो कि भाई डीमार्ट जाऊँगा, वहाँ शायद पैसे बचेंगे, डिस्काउंट चल रहा होता है। यहाँ वैसे ही एक ब्रोकर होता है जहाँ अकाउंट आप ओपन करते हैं, कि ऐसा अकाउंट ओपन करेंगे जहाँ पर सबसे फ्री में अकाउंट ओपन हो जाए, ठीक है, फ्री में सारी चीज़ें हो जाए और जल्दी हो जाए, और आपको हर एक चीज़ वहाँ पर पता चल जाएगी। अब इसके बाद, अकाउंट ओपन होने के बाद, आपके पास 4 से 5 ऑप्शन रहते हैं। देखिए, आपको शेयर खरीदना बेचना है, विच इज़ आप एक महीने के लिए खरीदिए, एक साल के लिए खरीदिए, डेली के लिए खरीदिए। अब इसमें अलग अलग सेगमेंट होता है। आप मान लो एक दिन में ही खरीद के बेच रहे हो, सुबह 9 बजे बाजार खुला, दोपहर के 3 बजे बंद हुआ, 3:15, 3:25, 3:30 हम लोग 3 बजे एग्जिट कर देते हैं पोजिशंस। तो आप मान के चलिए इस टाइम को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब मान के चलिए आप लोगों को लेट्स से 3 साल के लिए रखना है, तो 3 साल के लिए अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो ये हो गया लॉन्ग टर्म। लेट्स से आपको ये 2 महीने के लिए रखना है, 4 महीने के लिए रखना है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो ये इसके कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एंड आपका जो फेवरेट है वो होना चाहिए इंट्राडे, क्योंकि पैसे वहाँ बनते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि 99% पीपल आर लूजिंग मनी, 1% पीपल आर अर्निंग मनी। अच्छा, तो भाई हमें पता चल गया है कि किस तरीके की ट्रेडिंग होती है, ठीक है, और ट्रेडिंग और शेयर मार्केट क्या होता है, समझ में आ गया। और साथ ही साथ ये भी पता चल गया, बाजार 9 बजे खुलता है और 3:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है। ओके, अब बहुत सारे जो लोग हैं ना, मतलब बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, यार हमने पैसा गंवा दिया ट्रेडिंग में, हमें मतलब हमने लाखों कमाए, कुछ निकल नहीं रहा है, तो व्हाई 99% ट्रेडर्स लॉस्ट मनी इन ट्रेडिंग? कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और बाज़ार एक ऐसी जगह है जो 1 मिनट में आपका पैसा डबल कर सकती है, और 1 मिनट में, और 1 मिनट में सब खाली भी हो सकता है। ओके, लोग पहले 5,000 से चालू करते हैं और देखते हैं यार 10,000 बन गए, यार 15,000 बन गए, यार 20,000 बन गए, लालच आता है, ज़्यादा पैसा ऐड करते हैं और सब एक बार में चला जाता है, क्योंकि एक बार में बन सकता है तो एक बार में जा भी तो सकता है ना। सही बात है। इसी चीज़ को फॉलो करने के लिए हम आप लोगों को एक शीट देने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं पोजिशन साइजिंग की शीट। देखिए, मैं आप लोगों को सिखा दूँ फॉर्मूला, फंडामेंटल थ्योरी, क्या आपको याद रहेगा? हो सकता है आपको एक्सपीरियंस से याद हो, लेकिन अभी शायद आप 2 मिनट बाद भूल जाओ। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों को ना गिफ्ट देने वाले, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स को बीच बीच में हम बहुत सारी चीज़ें देंगे जो आपको हेल्प करेगा बाजार में स्टार्ट करने के लिए, और बेस्ट तरीके से। और मैं लिख के देता हूँ, अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपका लाइफ में सबसे बड़ा वाला जो लॉस होने वाला वो कभी नहीं होगा, एक लिमिटेड लॉस होगा, कह सकते हैं कैलकुलेटेड लॉस होगा। हाँ जी, गड़बड़ ये होती है ना मार्केट में, नया ट्रेडर आता है, अकाउंट तो ओपन कर लिया, बहुत ईजी है, बच्चों की बात है, डिटेल भरा, अकाउंट ओपन हो गया, 5,000 लगाए, पता है एक टिप आएगी किसी की, कोई बोलता है भाई ये खरीद लो ऊपर जाएगा, आपने खरीद भी लिया, पैसे बन भी गए,
हो सकता है वापस से टिप आई, वो बोला कि ऊपर जाएगा, गया नहीं, आपका लॉस हो गया। अब आप सोचते हो मैं खुद से करूँगा, खुद से करना चालू करते हैं, अच्छे पैसे बनने चालू हो जाते हैं, फिर कहीं जाते भी हैं पैसे। एक टाइम ऐसा आता है जब ट्रेडर थोड़ा बड़ा रिस्क लेने लगता है, लाख रुपए, 50,000 रुपए, मतलब थोड़ा उसकी लालच बढ़ जाती है, लालच बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है ना पैसे बन रहे हैं, लालच बढ़ जाती है, वो कंट्रोल नहीं हो पाती। ये शीट जो हम आपको देने वाले हैं, पोजिशन साइजिंग शीट है, इसमें लिखा हुआ है कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं। आपको 4 डिटेल डालनी है, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है, आप कितना परसेंट रिस्क लेना चाहते हैं, और आपका खरीदने का प्रेस कहाँ पर है और बेचने का मन कहाँ पर है, टारगेट स्टॉप लॉस प्रॉफिट जो भी आपका लगाया हुआ है आपने, मान लो आपने कोशिश की 10 रुपये में खरीदूंगा, अगर नीचे आ गया 8 रुपये में बेच दूंगा, अगर ऊपर चला गया 12 रुपये में बेच दूंगा, आपने जो डेटा लिया और ये डेटा में डाल देना है आपको शीट पे। ये बता देगा आपको कितने शेयर्स आपको खरीदने हैं। लोग यहीं कन्फ्यूज़ होते हैं, नए लोग, सर सीख तो जाएंगे लेकिन कितना शेयर खरीदना है, ये स्ट्रैटेजी तो अच्छी लेकिन कितने शेयर्स खरीदने हैं। और गलती से वो इतने ज़्यादा शेयर्स खरीद लेते हैं कभी कभी ट्रेडिंग करते वक्त कि एक बार में ही मेजर लॉसेस हो जाते हैं, फिर वापस हिम्मत नहीं आती ट्रेड करने की, ओवर ट्रेडिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस चीज़ को अगर आपको ठीक करना है ये शीट फॉलो करिए। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे जो डाटा डालना है वो किस कहाँ से देख के डालना है, मतलब जैसे आप कोई शेयर पिक कर रहे हो, ये किसी कंपनी में, मैं मान के चलता हूँ आपको शेयर बाजार आने लगा है, हाँ, आपको आपको किसी दोस्त ने बोला मान लो, हाँ, कि यहाँ खरीद लेना, 10 का खरीद लेना, 12 टारगेट है, और नीचे आ गया तो 8 में बेच देना। अब दोस्त ने ये तो बोला कि 12 टारगेट है, 10 में बेच देना, 8 में बेच देना, जो भी, बट दोस्त ने बताया नहीं कितने शेयर्स खरीदने हैं। और लोगों को क्वेश्चन यही होता है कितने शेयर्स खरीदे हैं तो अच्छा काम करेंगे हम, फंडामेंटल सारे रूल्स फॉलो करेंगे, तो वो चीज़ होती है पोजिशन साइजिंग। ये आपको ऐसे क्वांटिटी देगा कि अगर आपका लॉस भी हो जाए तो आप 200 बार मार्केट में और काम कर सकते हो, 200 बार मार्केट में और काम कर सकते हो। सोचो आपका एक बार लॉस हो गया, ठीक है, दो बार हो गया, ठीक है, चार बार हो गया, ठीक है, पांच बार हो गया, ठीक है, आपके पास अभी भी 190 बार रखे हुए हैं, 190 बार आप ट्रेड ले सकते हो, तो क्या ओरिजिनली आप तब तक सीख जाओगे और पैसे बन जाएंगे। नए लोगों के साथ क्या होता है, 5 बार कमाया 2,000, इतना ज़्यादा लालच आ गया कि एक बार में 50,000 डाला और सब उड़ गया। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। तो ये शीट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें सब भेजेंगे, सारी डिटेल्स आ जाएंगे, एक नहीं बहुत सारा देने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि अगर किसी को एक्चुअली में शुरुआत करनी है ट्रेडिंग, तो कुछ फंडामेंटल्स पता होने चाहिए उनको, तो कुछ बताइए कि क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं ट्रेडिंग में। देखिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो अलग चीज़ है, फंडामेंटल्स होते हैं इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में भी होते हैं। इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल्स हो गए कैश इक्विटी का प्राइस क्या, वो मतलब स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, पी रेशियो क्या चल रहा है, डेप्ट कितना चल रहा है, ईपीएस क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हम, बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग करने के लिए कुछ 3-4 चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है, मार्केट बिहेव कैसा करता है, मार्केट काम कैसे करता है, चार्ट्स को पढ़ना कैसे है, ठीक है, बाइंग सेलिंग कैसे करनी है, बेसिक बाइंग सेलिंग तो करना आ जाएगा, सही शेयर्स कैसे खरीदने हैं, पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, 1 रुपये का लॉस हुआ तो 10 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 रुपये का लॉस हो रहा है तो 0.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो गलत हो गया ना, क्योंकि आपका जब भी लॉस होगा 1 रुपये का होगा, लेकिन जब भी प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 0.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ये तो गलत है, इसका हो गया रिस्क रिवॉर्ड बेकार। हम ऐसे ट्रेड्स लेते हैं लॉस हो तो 1 रुपये, प्रॉफिट हो कम से कम 3 रुपये, 1:3, मतलब हमारा लॉस रिकवर हो जाए, है ना, अगर एक बार भी प्रॉफिट हो गया तो 2 बार लॉस किया रिकवर हो जाएगा, 1:3, पोजिशन साइजिंग लगाइए। ये सारे होते हैं फंडामेंटल्स जो एटलीस्ट सबको करनी चाहिए, लेकिन लोग करते नहीं है, एब्सोल्युटली लॉस हो जाता है। ओके, और अगर लेट्स सपोज किसी को शुरुआत करनी है ट्रेडिंग में, तो क्या क्या उसको दिमाग में रख के आना चाहिए, इस चीज़ को शुरू करना चाहिए। देखिए ट्रेडिंग चालू करना है तो 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको दिमाग में रखना है। ट्रेडिंग को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, सीखने के लिए। देखिए सब बोलते हैं कि पहले दिन से ही ट्रेडिंग करना चालू कर दीजिए, प्रैक्टिस करिए, मैं बोलता हूँ पहले एक बार आप थ्योरी नॉलेज अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास थ्योरी नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। दूसरा, हर एक टॉपिक कम से कम आपको पता होना चाहिए, ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर काम करता है, कि अभी बोलेगा बाय करना तो बाय करना, सेल करेगा सेल, पैटर्न्स भी पता होना चाहिए, हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए।
अब आपको जब ये सारी चीज़ें पता है, आप मार्केट में काम कर रहे हैं, आपका ब्रोकर अच्छा होना चाहिए। रिसेंट में उमर भाई, दो दिन पहले एक केस हुआ, एक बहुत अच्छा ब्रोकर है, फिन एशिया, जो भी नाम है उनका, फिन एशिया। अब उनका ना एक और ब्रोकर का नाम मैं नहीं बताया, कंपनी का नाम बताया, उनका टर्मिनल हैंग हो गया, काम नहीं किया सुबह। आप ट्विटर खोल के देख लीजिएगा, लोगों के करोड़ों में लॉसेस हुए हैं, पोजीशन क्लोज ही नहीं हुई। आपने मान लीजिए कुछ खरीदा, वो लॉस में जा रहा है, आपको बेचना, आप बेच नहीं पा रहे हो, कैसे करोगे? आपके अरबों करोड़ों रुपए लगे होंगे लोगों के, तो जिसके घर, जिसके पास 10,000 रुपए हैं उसको पता ना उसकी वैल्यू क्या होती है, जो करोड़ों में खेल रहा है उसको क्या करना है, लेकिन जिसके पास 10,000 है उसको पता है वो 10,000 की वैल्यू क्या होती है, और वो गया लॉस में। तो ब्रोकर आपको बहुत सोच समझ के चूज करना है। अच्छा, तो कौन सा ब्रोकर चूज कर सकते हैं एज अ बिगनर? अकॉर्डिंग टू मी, देखिए हर एक टाइप का ब्रोकर होता है। मैं समझ के चलता हूँ हमारी ऑडियंस ऐसी ऑडियंस है जिसको पैसे बचाना सीखना है, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते आप ये सब में चार्जेस में इकट्ठा करके पैसे वेस्ट करिए, आप उसको इन्वेस्ट में करो, इन्वेस्ट करिए, ट्रेड करिए उस पैसे से। तो हम आपको ऐसे एक अच्छा ब्रोकर सजेस्ट करते हैं, एक फायर्स नाम का ब्रोकर है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग। जितने बाकी के ब्रोकर्स होते हैं आपसे हर साल का एक चार्ज लेते हैं, 300-500 हज़ार, नो AMC चार्ज। इंडिया के टॉप 3 ब्रोकर्स आपसे एल्गो का हर महीने 3,000-2,000 रुपये लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गूगल अप स्टॉक्स 750, जीरो दा टू 2,000 और समथिंग, अगेन डोंट कोट मी ऑन दैट, बट अराउंड इतना है मंथली। फायर्स में API फ्री है। तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस को ना ये सब में पैसा खर्चा करना ना पड़े। ये सब टूल्स आप लोग शायद खरीदते होंगे टेलीग्राम ग्रुप में, 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये में मिलता है, ये सब आपको हम ऐसे ही दे देंगे। तो क्या है ना, आप खर्चा मत करिए, आप लगाइए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में पैसा। अच्छा, तो कितना पैसा लगाएं? मिनिमम देखिए यहाँ पर 10 रुपये से आप चालू कर सकते हैं, रिटर्न्स बहुत कम मिलेंगे, 10 लगाया तो 1 रुपये भी ना मिले। मेरे हिसाब से एक नॉर्मल इंसान को 2,000 रुपये से चालू करनी चाहिए, ठीक है। इक्विटी ट्रेडिंग करनी चाहिए एक शेयर से, पहले क्वांटिटी मत बढ़ाइए, पहले कोशिश करिए आपकी जो विनिंग रेट है वो बढ़ जाए, कि आपने सोचा 100 बार ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, और 100 बार एक एक शेयर ही खरीदा और आप 100 बार विन कर गए। सोचिए आप अपना टेक्निकल्स ठीक कर लीजिए एक एक क्वांटिटी ट्रेड करके, पहले आपको पूरा मार्केट समझ में आ जाएगा। एक एक शेयर लेके देखो, इन्वेस्टिंग में एक शेयर फ्री होता है, ठीक है, आपको कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं पे करना, छोटे छोटे ट्रेड करके समझ जाओ कैसे काम करना है। इवन आप बता रहे थे ब्रोकरेज के बारे में, फायर्स में अगर आप प्रॉफिटेबल हो गए 30 दिन के अंदर तो दे यूज टू रिटर्न ब्रोकरेज। ओके, बस प्रॉफिट में आ जाओ आप। मतलब ऐसा है कि ये तो बहुत ही तगड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। मतलब हम क्या चाहते हैं ना, लोगों का पैसा बचे, क्योंकि यहाँ पर पैसा बहुत जाता है, और इससे ट्रेडर्स कमाए ना कमाए, जिस बड़े ब्रोकर्स हैं वो तो कमा रहे हैं और आते भी हैं न्यूज़ में, आपको पता भी होगा। सही बात है, अब तो बिलियन डॉलर स्टार्टअप बिल्ड हो गए हैं। सो प्लीज़ ट्रेडर्स कमाए ना कमाए, ब्रोकरेज जरूर जाता है, और ये सब चीज़ें सेव करिए, जितना आपको जो ब्रोकर अच्छा लगता है करिए। कुछ ऐसे भी ब्रोकर्स होते हैं महीना जो आपसे एक बार का चार्ज लेंगे 1-2 हज़ार, और कोई ब्रोकरेज नहीं देना उसके बाद लाइफ टाइम, चाहे आप ट्रेडिंग जितनी करिए, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को शुरुआत करनी है ट्रेडिंग, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको रोड मैप दे दो कि कैसे शुरू करना है, किस तरीके से मार्केट को स्टडी करना है, वगैरह वगैरह। ओके, सबसे पहले अगेन एक अच्छा अकाउंट, नंबर 2 टेक्निकल नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज। बिना नॉलेज ये ना उमर भाई एक गाड़ी चलाने के जैसा है। मैं अगर आपको दूर से दिखा दूँ ना कि हाँ भाई ऐसे चलती है, आप शायद नहीं चला पाओगे, किसी को साथ में आपके बैठ के बताना पड़ेगा, है ना। ट्रेडिंग भी वैसा है, आप आगे से दूर से देख देख के बस मत खुश होना। आप एक लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, कि कैसे बाइंग और सेलिंग करते हैं, अकाउंट ओपन हो चुका है, लेट्स से सेकेंड टॉपिक आपका आता है कि कैसे खरीदना और बेचना है। एक ब्लू कलर का बटन होता है खरीदने के लिए, रेड कलर का बटन होता है बेचने के लिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ये जो आपको ब्लू बटन दिख रहा है यहाँ पर, ये खरीदने के लिए होता है, रेड बटन होता है बेचने के लिए। कोई भी शेयर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं सिंबल सर्च से। अब आपको खरीदना तो आ गया, आपको ये भी समझ में आ गया कब खरीदना है। अब आप सर्च करिए कितना खरीदना है, ये शीट पे आप डेटा डाल दीजिए, ये आपको बता देगा कितना खरीदना है एग्जैक्टली। अब जब आपको पता चल गया कितना खरीदना है, तो आप कोशिश करिए इन्वेस्टिंग से चालू करें, क्योंकि 99% सेफ होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में कभी किसी का लॉस नहीं होता। आप शेयर खरीद के छोड़ दीजिए लंबे समय के लिए, अच्छे शेयर्स खरीदिए, रिलायंस, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज है, TCS, टाटा, ये सब में लॉस नहीं होता।
क्यों? आप 10 साल के लिए एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं इनको, बहुत बड़ी कंपनीज, तो इन्वेस्टिंग से पहले चालू करिए, मार्केट समझ में आने लगेगा, फिर आप आइए ट्रेडिंग पे। मतलब आपके कहने का ये है कि इन्वेस्टिंग से शुरू करो, जिससे आपको समझ में आए कि ये शेयर बाजार किस तरीके से काम करता है। जब आप 4 दिन इन्वेस्टिंग में काम करेंगे, आपको थोड़ा सा लाइट लाइट समझ में आने लगेगा। सीधा आके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में घुस जाना फिर लॉस कर लेना, वो अच्छा बात नहीं है ना। तो एक बार आप इन्वेस्टिंग में आ गए, अब आप आइए ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में 2 से 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक होती है इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी बोलते हैं नॉर्मल कंपनी को खरीदना और बेचना। आपने रिलायंस को खरीदा एक शेयर बेचा। फिर होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो पूरा गेम चेंजर होता है। आप मानेंगे नहीं, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपने लेट्स से 5 रुपए लगाए हीरो जीरो में, वो 50 तक चला जाता है 10 मिनट में। यहाँ पैसा डबल नहीं, 4000% के रिटर्न्स मैंने खुद निकाले। एक थर्सडे था, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं थी, 2000 के आसपास इन्वेस्टमेंट था, 4000% का रिटर्न निकाला है। तो कितना था? हाँ, वो तो छोड़िए, लोग फिर बोलेंगे प्रॉफिट इधर से आता है उधर से आता है, वो सब छोड़िए, ठीक है। अब ये बहुत रिस्की मार्केट है FNO। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है ये समझिए। लोगों ने देखा होगा न्यूज़ पे आता है सेंसेक्स लिखा हुआ, वैसे ही होता है निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक। अब देखिए, आप रिलायंस को खरीद लेंगे, टाटा को एक शेयर खरीद लेंगे, कितना काम करेंगे, कितनी सारी कंपनीज हैं। इसीलिए ना टॉप 50 कंपनीज को ग्रुप कर दिया निफ्टी 50 के नाम से, उसको कर दिया निफ्टी 50। तो अगर आप लोगों को बाजार में काम करना है और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कौन सा चूज करें, आप निफ्टी 50 में काम करिए। आप देश के 50 कंपनीज में काम कर रहे हैं एक साथ, 50 कंपनीज ऊपर जाएंगी निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, 50 देश की टॉप कंपनीज नीचे जाएंगी निफ्टी 50 नीचे जाएगा। ओके, अब आपको लाइक बैंक में काम करना है, समझ नहीं आ रहा कौन से बैंक में करें, SBI में करें, HDFC में करें, आप निफ्टी बैंक में काम करिए। निफ्टी बैंक में काम करेंगे, बैंक अगर पूरा ऊपर जाएंगे, 12 बैंक टॉप के इंडिया के, प्राइस ऊपर जाएगा निफ्टी बैंक का, बैंक्स नीचे जाएंगे निफ्टी बैंक नीचे जाएगा। सो लोग आते हैं FNO में कि पैसा जल्दी बनता है, क्विक मनी जो है वो यहाँ बनता है, लेकिन क्विक मनी बनाने के चक्कर में चला जाता है। रीज़न बीइंग, ये नशे की जैसा होता है, लगाओगे डबल होगा, लगाओगे डबल होगा, लेकिन एक बार लगाओगे सब चला जाएगा। सो बहुत रिस्की है, ठीक है, लेकिन मज़ा भी आएगा। बात कैसे करें? अगेन आपको बताया, अकाउंट ओपन करिए, ठीक है, बाइंग सेलिंग सीखिए, बाइंग सेलिंग सीख कर टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी है। टेक्निकल नॉलेज में प्रिडिक्शन क्या होती है, कब आपको पता चलेगा ऊपर जा रहा है, कब आपको पता चलेगा नीचे जा रहा है, कैसे पता चलेगा कि हाँ अभी ही खरीदना है या अभी ही बेचना है, ये प्रॉपर ना टेक्निकल होती है। अब उमर भाई, आपको ट्रेडिंग तो नहीं आती ना बिल्कुल भी? नहीं, इतनी नहीं आती। इतनी नहीं आती, पता है आपको ये प्रिडिक्शन होती कैसे? कैसे सोचो, कोई एक रीज़न सोचो आप। अगर मैं आपको बोलूं ये प्रिडिक्शन ड्राइंग करके होती है। ओके, आपने बचपन में सर्कल बनाया होगा? हाँ हाँ। ट्रायंगल बनाया? हाँ। पता है आपको जब भी सर्कल बनता है ना, सेमी सर्कल नीचे से, मार्केट ऊपर जाता है। और यही शेप्स का यूज़ करके, ड्राइंग का यूज़ करके लोग प्रिडिक्ट करते हैं। क्या सिर्फ ड्राइंग के बेस पे आप 1 करोड़ लगा दोगे अभी, येस और नो? नहीं नहीं, लेकिन लोग गलती ही करते हैं। लोग सोचते हैं हमने बना दिया एक ड्राइंग, ठीक है, हमने एक ड्राइंग बना दिया, लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला ड्राइंग, कुछ ऐसा एक ड्राइंग बना देते हैं अपन, लेट्स से ये देखिए, ठीक है। अब आपने बना दिया एक ट्रायंगल, ठीक है, मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ। अब जब भी ट्रायंगल बनता है ना, क्या होता है, मार्केट ऊपर या नीचे फेंकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए असेंडिंग ट्रायंगल बना है, देखिए, तो हमेशा ऊपर जाएगा, और मान लीजिए डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है तो हमेशा नीचे जाएगा। अब क्या इतना ईजी है बाजार, क्या ऐसे काम करेगा? नहीं, लेकिन लोग ये देख के बस सोचते हैं यार अब तो बन गया पैसा। आपको हर एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, ये काम करता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी होती है। किसी की एक्यूरेसी होती है कि शायद 50-50 चांसेस हैं, और कोई कोई चीज़ की एक्यूरेसी होती है 80% चांसेस है। तो आपको कहाँ काम करना है बताओ, 50 या 80? और लोगों को ये नहीं पता। तो 80 वाले कौन सी चीज़ है? बहुत सारे हैं इसमें, एक ट्रायंगल तो मैंने आपको ट्रायंगल बनाया है, इसमें मोर देन 50 पैटर्न्स आते हैं। आप देखते जाएंगे यहाँ हज़ारों पैटर्न्स है, देखिए, हेड एंड शोल्डर्स है, ट्रिपल टॉप है, ट्रिपल बॉटम है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, पेनेंट है, वेज है, रेक्टेंगल है, बस ड्राइंग करनी है। और इस ड्राइंग के बेसिस पे पता चलता है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन इसके साथ और भी चीज़ें यूज़ करें। ये भी तो पता होना चाहिए कि कब मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। आपके सामने बनेगा ये, आपके सामने आपको दिखेगा कि बन रहा है ये,
जैसे एक ट्रेड हमने लिया होगा निफ्टी बैंक पे, ये देखिए ये बन रहा है पैरेलल चैनल, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये मैं मार्क करता हूँ, रीलोड करता हूँ, ये बन रहा है पैरेलल चैनल, ये उसके हिसाब से टारगेट्स और वो आ गए, हर एक चीज़ आपको खुद से दिखेगा बनता हुआ। हमने हीट मैप्स बनाए हुए हैं, आपको पहले से ही पता चल जाएगा कौन सी कंपनी रेड में कौन सी ग्रीन में है, 7000 कंपनीज है, कितना सर्च करेंगे आप। अगर मान लीजिए आपने टेक्निकल एनालिसिस भी सीख ली, आपने ये सब सीख लिया, सर कौन सा बाय करना है कौन सा सेल करना है आपको समझ में आ गया है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ काम करें, हमने स्कैनर्स बना दिए हैं, वो आपको पहले ही बता देगा कहाँ पर अच्छा मूवमेंट है, वॉल्यूम कहाँ पर है। ओके, तो हमें इस इन स्कैनर्स में डाटा डालना होगा, आपको आपकी स्ट्रैटेजी फिट करनी है, वो उस हिसाब से स्कैन करके दे देगा। आपको चाहिए कि ऐसे कंपनीज ढूंढ के लाओ जो ट्रायंगल बना रहे हैं, वो ढूंढ के लाएगा आपके लिए। सो वन बाय वन स्टेप अकाउंट ओपन करिए, आपका जो भी है यहाँ पर फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए, ठीक है, इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करिए, कम से कम इन्वेस्टिंग चलता रहेगा, और साथ में ट्रेडिंग पे आइए, ट्रेडिंग पे आप टेक्निकल्स क्लियर कर लिए। टेक्निकल्स में सिर्फ एक चीज़ नहीं करना है, कोई बोले कि सिर्फ ड्राइंग कर लो, ड्राइंग नहीं करना है, ड्राइंग से पैसा नहीं बनता, इट्स नॉट टू ईजी बट इट्स नॉट ऑल्सो टू हार्ड, ठीक है। कोई बोले कि दिन में 4 बार पैसा डबल होगा, ये झूठ है, अगर 4 बार पैसा डबल होता तो हम दोनों के पास अभी हेलीकॉप्टर्स होती। सही बात है, तो ऐसा भी नहीं कि नहीं बनता, ऐसा भी है कि यू नो आपका डेली बनेगा, पूरा बिजनेस है ये, धंधा है प्रॉपर, आप प्रॉपर धंधे के जैसे करिए और देखिए पैसा बन रहा है। लेकिन आपने हेलीकॉप्टर की बात करी, मैंने सुना है कि आप जेट में घूम रहे हो ट्रेडिंग के थ्रू। यार वो चीज़ें चल रही हैं, आपको तो पता है, आपको तो सब दिखाई रखा है, तो अब लोगों को लगता है कि कोर्सेज से इनकम हो रही है हमारे, आपको तो पता है, बताइए अब मैं क्या बोलूँ, मतलब बिल्कुल अभी डाउन पे ही है, हम बंद करने वाले, प्रॉफिट ही नहीं बन रहा, हम इनफाइट बंद करने वाले हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम कोर्सेज सेल कर रहे हैं, है ना, हमारी मेन इनकम कहीं और से आती है, ट्रेडिंग से आती है, इन्वेस्टिंग से आती है, रियल एस्टेट से आती है, रियल एस्टेट से आती है, तो नाम खराब करके क्या मतलब। तो ट्रेडिंग अगर हमें करनी है तो क्या क्या फ्रेमवर्क यूज़ करने चाहिए? अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो देखो फ्रेमवर्क होता है प्रॉपर, एक रोड मैप, रोड मैप में होता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, सबसे पहले आप अकाउंट ओपन करिए, टेक्निकल्स पे आइए, टेक्निकल्स अच्छे से सीखिए, अच्छे से पूरा फंडामेंटल अच्छे से करिए। अब ये चीज़ ऐसी है ना कि सीखने से यहाँ कुछ नहीं होता, 10% सीखना है, 10% इज़ योर नॉलेज, बाकी जो 90% है वो होता है एक्सपीरियंस। ये कार चलाने जैसे, उमर भाई मैं आपको बोल दूँ, उमर भाई ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, और ये क्लच है, और ये स्टेयरिंग है, और आपको मैं दे दूँ एक स्पोर्ट्स कार जो 200 की स्पीड पे भागती है, पैडल दबाती चला लोगे क्या आप? नहीं चला पाओगे। ट्रेडिंग वैसा है, मैं बता के दे दूँ ना आपको ये ऐसा है, नहीं कर पाओगे, आपको धीरे 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 एक्सपीरियंस आएगा, तब बनोगे आप अच्छे ट्रेडर, तब बनोगे आप एक यू नो हाँ कि आप बना रहे हो क्रेजी रिटर्न्स, 5% 10% आराम से आ रहा है आपका। अच्छा, तो ये कैसे देखें कि कब हमें स्टॉक्स बाय करना है और कब बेचना है उसको? टेक्निकल नॉलेज के थ्रू आपको पता चलेगी एंट्री कहाँ पर है। अच्छा, अगर हमें पता करना है कि यार ये सेक्टर अच्छा काम कर रहा है तो किस तरीके से कर सकते हैं? अब मान लीजिए आपको पता करना है कि आज कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अच्छा चल रहा है, क्या ऑटो वाली कंपनीज ऊपर जा रही हैं, या क्या रियल एस्टेट वाली कंपनीज जा रही हैं, क्या बैंक चल रहा है, या कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आज अच्छा चल रहा है। आप हमारे स्क्रीनर पे आ जाइए, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा टॉप 10, ये देखिए सेक्टर हीट मैप, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है। अभी अगर मैं उमर भाई को पूछूं कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, वो बता देंगे देख के, ठीक है, अभी मैं पूछूं कौन सा अच्छा नहीं चल रहा है, वो बता देंगे देख के, आईटी का अच्छा नहीं चल रहा है। सो ये चीज़ें क्या करती हैं ना, आपको बहुत हेल्प करती हैं, और आपको इसमें पैसे नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस छोटा सा इंटरनेट कनेक्शन, 2 MB 1 MB मोबाइल से काम हो जाएगा। और ये जो डाटा आप दिखा रहे हो लाइव अपडेट होता है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से सेक्टर में मूवमेंट है, कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे है। अब मान लीजिए आपको कोई मेडिसिन का स्टॉक खरीदने का मन है, अब वो जा रहा है नीचे और आप खरीद रहे हो ऊपर के लिए, गलत है। तो मतलब कैसे देखिए कि यार ये स्टॉक बढ़िया है हमारे लिए, इसको लेना चाहिए, प्रॉफिट बन के भी प्रॉपर स्टेप्स होते हैं वन बाय वन। लेट्स से आपको खरीदने का मन है कि ऊपर जाएगा, लेट्स खरीदते हैं इसको, ठीक है, खरीदने का मन है, आपको 5 से 10 चीज़ें चेक करनी है। टेक्निकल एनालिसिस आपका क्या बोल रहा है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी 5 चीज़ें यूज़ करिए, पैटर्न यूज़ करिए, सप्लाई डिमांड यूज़ करिए, ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, सब यूज़ करिए, जो भी ओवरऑल बनाइए, टेक्निकल एनालिसिस आपका क्या बोल रहा है, ऊपर है या नीचे, ऊपर आ गया गुड। अब मान के चलते हैं आपको 6 महीने के लिए खरीदना है,
फंडामेंटल्स देखिए कंपनी का, लास्ट के 6 महीने में कंपनी का प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था? लास्ट के 6 महीने में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, ऊपर गया था या नीचे गया था, ओवरऑल चार्ट देख लीजिए। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ब्रोकर्स में, देखो ये यहाँ पर आपको ब्रोकर्स में अवेलेबल है। आप अगर वो भी नहीं चाहिए ना तो गूगल में आ जाइए आप। लेट्स से आपको ये देखना है कि मार्केट ऊपर गया नीचे, आपको कुछ नहीं लिखना, बस अपना शेयर का नाम लिखना है। लेट्स से आप कोई शेयर बताइए। एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक्सिस बैंक का देखना है, वन सेकेंड, ये देखिए एक्सिस बैंक शेयर लिखा, लास्ट के 6 महीने का डेटा मिल गया मुझे, क्या आया 6 महीने में, कितना ऊपर है, 6% ऊपर है। लास्ट के 1 साल में कितना नीचे है, 8% नीचे है। आपको ये देख के समझ में आने लगेगा मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। देखिए 6 महीने से ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, नहीं तो 6 महीने से ऊपर तो जा रहा है। आप देखेंगे फंडामेंटल्स में प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल ग्राफ क्या है, लोग ओवरऑल ग्राफ देखते ही नहीं है। सब चीज़ें बोल रही खरीदो, लेकिन ओवरऑल ग्राफ ऐसा है, खरीदना है क्या, नहीं खरीदना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वन बाय वन बाय वन आपको लगाना है। पहले टेक्निकल्स लगाइए, फंडामेंटल्स लगाइए, मार्केट न्यूज़ चेक करिए, क्या कंपनी में कोई टैक्स का चोरी थोड़ी ना हो रहा है। ये कैसे पता करते हो आप? आप गूगल में सर्च करिए कंपनी का नाम, कंपनी के बारे में जो भी न्यूज़ चल रही होगी आ जाएगा गूगल में। आप गूगल में सर्च करिए रिलायंस, आ जाएगा। रिलायंस ने अभी जियो IPL फ्री कर दिया। अच्छा, तो जैसे आपने बताया अभी एनालिसिस कर लो, कंपनी के बारे में जान लो, उसके बाद? एनालिसिस कर लिया, ओवरऑल ट्रेंड देख लिया, टेक्निकल्स देख लिया, फंडामेंटल्स देख लिए, न्यूज़ देखिए। अब मान लीजिए आपको खरीदने का मन है, पिछले आने वाले 3 महीने के लिए आपको खरीदने का मन है, बट कंपनी में कल IT की रेड आ जाती है। हाँ, क्या आप खरीदेंगे? नहीं, पता नहीं ना IT की रेड में क्या निकल रहा है, प्रॉफिट का चोरी हुआ है नहीं हुआ है, बहुत कुछ होता है। इसको बोलते हैं ओवरऑल में कॉरपोरेट गवर्नेंस। ये चीज़ें भी चेक करनी ज़रूरी है। कैसे? लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। गूगल, आप गूगल में जाइए, थोड़ा डीप डाउन रिसर्च करिए, लोग ये चीज़ें भी इग्नोर कर देते हैं, और ये चीज़ें बहुत, मतलब आपका कहना है कि जिस कंपनी में भी आप लेट्स सपोज इन्वेस्ट कर रहे हो, जानो, टाइम लगाओ उस पर। तो आप गूगल का यूज़ करते हो जानने के लिए? बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, गूगल, ऑपस्ट्रा, ट्रेडिंग टेक, सेंसिबल, ETMoney, तो वहाँ पर सब आपको डाटा मिल जाता है। बहुत सारी सॉफ्टवेयर हैं, मैं पूरा एक लिंक वो व्हाट्सएप पर डलवा देंगे हम। और आज हमारे लोग आए हैं देखने, तो उनके लिए एक और चीज़ देते हैं, आज के बाद लाइफ में कभी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा सोर्स देते हैं जहाँ पर बहुत सारी ई-बुक्स फ्री में अवेलेबल है, लिंक्स हैं। और मैं मान के चलता हूँ यार, अगर मेरे पास कोई चीज़ ऐसी फ्री में अवेलेबल है तो मैं क्यों ना सर्कुलेट कर दूँ भाई। अगर मेरा बेटरमेंट हो सकता है, आपको बेटरमेंट हो जाएगा, आपके पैसे बच जाएंगे। हाँ हाँ, तो कौन सी वेबसाइट है वो? ये देखिए, ये बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स हैं, अलग अलग शीट्स हैं, हर एक शीट का नाम भी अलग रखा हुआ है। किसी का ISB ट्रैकर है, किसी का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, किसी का पोजीशन साइजिंग है, किसी का सिक्योरिटीज़ मार्केट है। मेरी टीम बनाते रहती है, ये सब मेरे लिए बनाती है, मैं फ्री में दे देता हूँ। तो ये सारी चीज़ों का नाम, वेबसाइट पूछेंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे बेटर हम इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे लिंक्स नीचे, और हमारे कोर्सेज में तो मिलता ही है। ओके, अच्छा, तो अभी हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है वैसे तो, लेकिन बहुत सारे लोग आजकल इंटरेस्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है, जिसके बारे में आप भी बोल रहे थे, तो बताइए। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान बनता है और इंसान बिगड़ता है। अच्छा। बहुत लोग जब पहली बार आते हैं बहुत पैसा कमा लेते हैं, जो कोरोना के टाइम पे आए खासकर उन्होंने बहुत पैसे छापे हैं। मार्केट नीचे जाता है तब भी आप कमाते हैं, मार्केट ऊपर जाता है आप तब भी कमाते हैं, ये ऐसा रूल बनाया हुआ है, क्योंकि ये बनाया हुआ चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए मैं समझाता हूँ, आप रिलायंस का एक शेयर खरीद रहे हो, अब आप रिलायंस का अगर एक शेयर खरीद रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप रिलायंस को पैसा दे रहे हो, भैया एक शेयर दीजिए, ठीक है। निफ्टी बैंक या निफ्टी का आप खरीद रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, या एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो किसी और पे काम कर रहा है। अगर देश की 50 कंपनीज ऊपर जाती हैं तो निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट जो बना हुआ है उसका पैसा ऊपर जाता है, उसका प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। अगर निफ्टी 50 नीचे जाता है, निफ्टी की कंपनीज नीचे जाती हैं, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कम होता है या कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस चेंज होता है। तो इसलिए ये प्रॉपर्ली बहुत फ्लक्चुएट होता है। अब निफ्टी का प्राइस है मान लीजिए 18,000 और बैंक निफ्टी है 50,000, 42,000। अब आप मुझे बताइए, पॉसिबल है क्या ये काम करना, 42,000 का 1 शेयर नहीं है, 18,000 का नहीं है। इस टाइम पे क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और यहाँ से इंसान की जर्नी चालू होती है FNO की। 10 रुपये का भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ठीक है,
मिनिमम क्वांटिटी 25 होती है, 50-25, ठीक है। निफ्टी की मिनिमम क्वांटिटी मतलब मिनिमम शेयर 50 खरीदने हैं, बैंक निफ्टी के मिनिमम 25 खरीदने हैं। अब आप मान के चलिए 10 रुपये से चालू हो रहा है, 1 रुपये जीरो का भी होता है लेकिन मैं मान के चलो 10 से चालू हो रहा है। अब मान लीजिए आपको 10 से चालू हो रहा है, 50 की मिनिमम क्वांटिटी है, 500 लगाया निफ्टी 50 का, एक पैकेज आपके पास आ गया जिसको हम बोलते हैं एक लॉट। अब कहते हैं एक लॉट तो आ गया एक मिनिमम। अब यहाँ से अगर निफ्टी 50 ऊपर जाता है इसका रेट बढ़ जाएगा, मान लीजिए 17,000 18,000 पे खड़ा है, 19,000 20,000 चले गया, कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आई कि देश के सारे लोग यू नो इतना पैसा इंडिया में लगा रहे, कुछ तो न्यूज़ आई लेकिन मार्केट एकदम खुश हो गया, 1,000 पॉइंट बढ़ गया दिन में। आप देखोगे ये 500 जो आपने लगाए थे ना वो 4,000 हो गए होंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ रहा है, बहुत बढ़ता है। कोरोना के टाइम पे पुट्स की प्राइस बढ़ते थे, मतलब जितना नीचे जाएगा पुट्स उतना प्रॉफिट देगा, जितना ऊपर जाएगा कॉल उतना प्रॉफिट देगा। दो चीज़ होती, कॉल और पुट्स। कॉल आपको पैसा देगा जब मार्केट ऊपर जाएगा, पुट्स आपको पैसा देगा जब मार्केट नीचे जाएगा, और दोनों खरीदना होता है, ठीक है। कॉल खरीदोगे मार्केट ऊपर जाएगा पैसा बन गया, पुट खरीदोगे मार्केट नीचे जाएगा तब पैसा बनेगा, ठीक है, दोनों खरीदना होता है। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट किस पे काम कर रहा है, निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक पे, बैंक के पूरे बैंक ऊपर जा रहे, बैंक का कॉल ले लिया आपने, निफ्टी बैंक का कॉल खरीद के रखे हो। तो ये जो हिंडनबर्ग है इन्होंने इसने भी यही किया था क्या? इन्होंने अडानी की कंपनी शॉर्ट की थी, अब इन्होंने बॉन्ड्स और कुछ कुछ चीज़ों के थ्रू शॉर्ट की थी, बट इंडिया के लोगों ने पुट्स बाई किए थे अडानी के जब उनको पता चली, जिसमें से मैं भी एक था, सॉरी, और हमने पैसे निकाले थे क्योंकि हमको पता था बहुत बड़ा न्यूज़ है, मार्केट रिएक्ट करेगा, बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, मैंने रात भर रिपोर्ट पढ़ी भी थी, बहुत सारे एलिगेशन थे, बड़े बड़े एलिगेशन थे, ऐसे एलिगेशन कि आपके बाहर बाहर बैंक में 50,000 करोड़ हैं, उससे एक्विजिशन हुआ है, बहुत कुछ। इस चीज़ को देखते हुए ना मैंने पुट स्कैल्प किया था। स्कैल्प बोलते हैं जब आप तुरंत एंट्री लेते हो और तुरंत एग्जिट लेते हो, एक मिनट के अंदर खरीदा, एक मिनट के अंदर ही बेच दिया, 60 सेकंड के अंदर, स्कैल्प, पावर स्कैल्प, मैं कर रहा था पावर स्कैल्प। सुबह मार्केट 9:15 खुलता है, लोग बेचने के, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे वो डर गए थे, 2 साल से पैसे लगा रखे हैं अडानी में, 100 रुपये लगाए 800 हो गए, 8 गुना 2 साल में बहुत पैसा दिया अडानी ने, किसी ने बुक नहीं किया, खुला छोड़ा पोजिशन, बेचे नहीं है ना, तो लोग डर गए, शेयर्स बेचना चालू किए, शेयर्स बिकते गए, बस 5% नीचे हो गई सारी कंपनीज, सबको पता चला, 10% सब बेचने लगे, और जब सब बेच रहे थे हम पुट्स खरीद रहे थे ताकि मार्केट जितना नीचे जाए मेरे पैसे मिले। इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग, पावर स्कैल्पिंग, एक मिनट के अंदर भी आप कर सकते हो, टाइम में भी कर सकते हो, 1 घंटा रखना है करो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम मिनट्स में कर देते हैं स्कैल्पिंग, कि एक कैंडल आई 9:15 नीचे आई, कर दिया स्कैल्प। अच्छा, तो हमें मार्केट को किस तरीके से देखना चाहिए? देखो, मार्केट को देखने का ना अपना अपना नज़रिया होता है, लेकिन लोग गलत देखते हैं। एक बार किसी का लॉस हो गया या नया चालू कर रहा है ना, वो डरता है, क्यों, यहाँ रिस्क है, यहाँ लॉस है, यहाँ गैम्बलिंग है, यहाँ पर पैसा चला जाएगा। वहीं पर कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज़ हैं जो आप लोगों से म्यूचुअल फंड का पैसा लेती हैं, छोटे छोटे पार्ट पर मार्केट में ही लगाती हैं, बट रिटर्न भी देती हैं, क्यों, वो प्रॉपर बिजनेस ऐसा ट्रीट करते हैं, उनको पता है यहाँ इतना रिटर्न निकालना है, वो नहीं बोलते कि 3 गुना करके देंगे, वो बोलते हैं नॉमिनल रिटर्न निकाल के देंगे। आप इसको बिजनेस के जैसा ट्रीट करोगे ना, बिजनेस के जैसा देखोगे, जैसे नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, सुबह 8 बजे दुकान, 10 बजे दुकान खुल रही है, रात के 10 बजे बंद हो रही है, आप भी बैठिए ना सुबह 9 से 3, लोग क्या सोचते हैं, पहले 5 मिनट पे काम करके निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं मार्केट में क्या हो रहा है, आप प्रॉपर बैठिए, भले काम मत करिए, देखिए, समझ में आएगा क्या हो रहा है। नए लोगों को एक्चुअली ये चीज़ ज़रूरत है, नए लोगों को सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है वो है एक्सपीरियंस। थ्योरी नॉलेज तो 10% है, 20% है, तभी हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, हम उसमें क्या करते हैं अमर भाई, हम थ्योरी नॉलेज में फोकस नहीं करते, हम एक बार रिकॉर्ड करके दे दिए, हम आपके साथ 100 दिन काम करते हैं, मतलब 100 दिन लाइव ट्रेड, लाइव ट्रेड, ताकि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बना रहा हूँ, मैं जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ, मेरी एंट्रीज कैसे हो रही हैं वो आप देख के समझ पाओ। अच्छा, जैसे लोगों को आपका कोर्स ज्वाइन करना हो तो किस तरीके से कर सकता है? ऐसे तो आपका कूपन कोड बना देंगे उमर भाई का कूपन कोड बना देंगे, क्या बनाए बताओ, आप 50% डिस्काउंट दे दो। हाँ, एकदम ऐसा सर, ठीक है, UMER लिंक आपके डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, UMER50 तो 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, 50% डिस्काउंट। और हम ना, देखो हमारा ना सिस्टम अलग है, जितने कोर्स बेचने वाले हैं वो क्या करते हैं, 9 से 3 खुद काम करेंगे, फिर आपको ट्रेनिंग आके देंगे लाइव।
हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है. हमें पता है लोगों का लॉस होता है यहाँ पर और लोगों का प्रॉफिट भी होता है. हम कोशिश करते हैं लोगों को साथ में रह के सिखाएं. इट्स काइंड ऑफ ड्राइविंग अ कार अगेन. कार मैं आपको सिखा दूँ, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, आप चला लोगे क्या? तुरंत नहीं चला पाओगे सर, ठोक दोगे. यही अगर मैं आपके साथ बैठा रहा हूँ, हैंड ब्रेक पे हाथ रखा रहा हूँ और मैं बोलूँ उमर भाई आप चलाओ, कुछ गड़बड़ होगी मैं हैंड ब्रेक खींचूंगा, सेफ रहोगे आप, सीख भी जाओगे. लाइव ट्रेडिंग एक सेम हमारे पूरा हमने बनाया हुआ है. आप आओ हमारे साथ काम करो लाइव में, कुछ गड़बड़ होगी आप तुरंत मैसेज करो, हम आपका रिप्लाई देंगे लाइव 1-to-1. सो ये चीज़ यहाँ पर हम फोकस करते हैं और हम ट्रेनिंग तो आपको देते हैं बट हम ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं. That's मतलब आप ज़्यादा पैसा ट्रेडिंग से कमाते हो rather than our businesses. आपको तो दिखाया हुआ है. हाँ अच्छा, लास्ट में पूछूंगा कि आप कुछ जाते हुए स्ट्रेटजीज दे दो अगर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहता है, इंट्राडे करना चाहता है तो. देखिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं. ऐसा बोला जाता है कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी अभी बहुत अच्छा काम करती है. कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी मतलब मान लीजिए प्राइस है 0 से लेके 100, ठीक है, आप मान के चलिए एक प्राइस हम ले लेते हैं, मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ. आप मान के चलिए ये आपका प्राइस है 0, ये है आपका प्राइस 100, ठीक है. प्राइस यहाँ पर ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है. अब ये फ्लक्चुएट होता है 5 साल के लिए, ठीक है, ये 5 ईयर्स के लिए ऐसे फ्लक्चुएट होता है. आप इसको कंसोलिडेशन जोन बना लीजिए, एक ऐसा जोन बना लीजिए जिसको प्राइस कभी ब्रेक कर ही नहीं पाया, लेट्स से 50 रुपये. तो प्राइस जो है 10 से नीचे कभी नहीं गया 5 साल में और 50 से ऊपर भी कहीं नहीं गया 5 साल में, बार बार 50 से रिजेक्ट हो जा रहा है. ऐसा बोला जाता है जिस दिन लंबा कंसोलिडेशन जोन टूटता है ना, ये बहुत ब्रेकआउट से ऊपर जाता है. तो लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम करती है. कंसोलिडेशन पता लगाइए, मार्केट कहाँ पर प्रेस हो रहा है, लोग खरीद तो रहे हैं लेकिन ऊपर जाके रिजेक्ट हो जा रहा है. जिस दिन वो अच्छे से फटेगा प्रॉपर मोमेंटम के साथ, आप देखोगे मूवमेंट आएगा और बहुत पैसा बनेगा. इसके लाइव एग्जांपल्स है बहुत सारे, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी देख लीजिए, आप देख लीजिए राधा कृष्णा एक है, मतलब ठीक है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विजय केडिया जी हैं, बहुत सारे मेरे जान के लोग भी हैं, 1000-1000 करोड़ का पोर्टफोलियो है. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते थे, लगाया 8-9 महीने के लिए पैसा, कुछ टेक्निकल एनालिसिस की, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस की और चला गया ऊपर. अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है भाई तो किस तरीके से वो सेफ रह सकता है? भाई एक बहुत फेमस लाइन है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. मतलब अगर आप अंडे की दुकान पे गए हो, आप 2 झिल्ली बनवाओ क्योंकि अगर एक गिर गया तो एक बचा रहेगा. सिमिलरली मार्केट में भी है. आपके पास अगर 1 लाख हैं, 10,000 हैं, पूरे पैसे एक कंपनी में कभी नहीं लगाना क्योंकि अगर वो कंपनी चले गई क्या हो जाएगा? पैसा गया. फिर आप बोलोगे किसकी गलती है? बाजार की गलती है. बाजार की नहीं, आपकी गलती है, राइट? भाई आपको क्या करना है, आपके पास अगर 1 लाख हैं, 20 कंपनीज में लगाइए पैसा इन्वेस्टमेंट में. इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन. अब क्या होगा, 5-5 हज़ार एक एक कंपनी में गई है, 20 कंपनीज में आपने 5-5 हज़ार करके लगा दिया, आपके 1 लाख रुपये इन्वेस्टेड है. मान लीजिए आज से 3 साल बाद आप चेक करते हैं, ठीक है, आपने 1 लाख लगा के छोड़ दिया, 3 साल बाद आप चेक करते हैं, हो सकता है 3 कंपनीज खराब निकल गई, बाकी 17 तो साथ देंगी, हो सकता है 5 खराब निकल गई, 15 तो साथ देंगी. यहाँ पर आपका पैसा लॉस में जा नहीं सकता. इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन. और बहुत इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि आप पहली बार अगर बाज़ार में आ रहे हैं तो बाज़ार की गलती नहीं अगर लॉस हो रहा है तो. बाज़ार पैसा देता है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को पैसा देता है. राकेश झुनझुनवाला जी, विजय केडिया जी लाइव एग्जांपल्स हैं, कितना पैसा कमाया है. और इन्वेस्टिंग में लॉस नहीं होता क्योंकि अगर आप अच्छे से इन्वेस्टिंग करोगे कभी लॉस नहीं होगा. आप होल्ड करिए बस. टाटा जैसी कंपनी से TTML, 1 रुपये की कंपनी, 1 रुपये का शेयर प्राइस था, 250-290 का हाई बनाया. टाटा की कंपनी है, 2-3 रुपये के शेयर्स. मैं बोलता हूँ आप 1 में नहीं खरीद सकते, 8-10 रुपये में खरीद सकते हो. आप एग्जैक्ट बाइंग नहीं कर सकते, 10 रुपये में खरीद लो. आप 300 में नहीं बेच सकते, 200 में बेच सकते हो. हमें तो सिर्फ रैली राइड करनी है ना, हमें थोड़ी ना एकदम परफेक्ट बनना है. नहीं बनना परफेक्ट, हमें करना है रैली राइड कि हाँ भाई ऊपर जा रहा है, उससे थोड़ा पैसे हमें भी मिल जाए और वो थोड़ा 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 करके अपना बैंक बैलेंस भरना है. और जब बैंक बैलेंस भर जाए तो वो पैसा और कहीं घुमाना है. दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग और ये स्टॉक मार्केट का गेम है.
और यहाँ लोगों को लगता है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे हिसाब से नहीं है। आप देखिए जो नॉर्मल सब्जी वाला है वो क्या करता है, आप देखिए नॉर्मल दुकानदार क्या करता है। दुकानदार किसी से ब्रेड खरीद के लाता है, आपको बेचता है, बाय लो सेल हाई, 6 रुपये में ब्रेड का पैकेट खरीद के लाता है, आपको 10 रुपये में बेचता है, सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा। ट्रेडर क्या करता है, इन्वेस्टर क्या करता है, 10 रुपये का शेयर खरीदा 100 में बेचा, बाय लो सेल हाई। दुकानदार हो गया जो अंडे बेच रहा है या कुछ कुछ भी बेच रहा है, और यहाँ पर ट्रेडर और इन्वेस्टर हो गया, दोनों का जॉब सेम है, बाय लो सेल हाई। वो बेचता है हाई कस्टमर को, आप बेचते हो हाई किसी और को जो शेयर आपके खरीदता है, जो आप बेचते हो। अब बस फर्क ये है कि वो लॉस का घाटा नहीं करता कभी, उसको पता है अगर लॉस हुआ तो मैं बेचूंगा ही नहीं, रखे रहेगा भले। आपको भी वैसा बनना है, अगर लॉस हुआ चेक करिए क्यों लॉस हो रहा है, क्या कंपनी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, तो जल्दी ख़त्म करिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा एक ब्रेड के पैकेट के कारण सब में फंगस लग गया, तो वैसा भी नहीं सही है। दुकानदार क्या करते हैं, उसको निकाल के फेंक देते हैं, तो बाकी सब सेफ हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आपका एक कंपनी जो है वो ज़बरदस्ती का लॉस में जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों, पता करिए क्यों। और एक बार पता कर लिया, समझ में आ गया कि हाँ भाई टैक्स का इशू है कंपनी में, कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू है, कोई चोरी कर रहा था टैक्स वैक्स की, और ईडी की रेड है, आईटी की रेड है, सीबीआई बैठी है, जीएसटी बैठी हुई है, निकल जाइए जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो जाए कंपनी सेफ है। कल को क्या पता 8,000 करोड़ का चालान दे दे कि आपने जीएसटी पे नहीं किया था, 8,000 करोड़ दीजिए कंपनी बंद हो जाए, पूरा पैसे जाएंगे आपके। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है इसमें चाहिए, और नॉलेज से बहुत बड़ी बात आती है कि एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपको इसमें चाहिए। आप एक महीना अगर अच्छे से किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ काम करते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स होंगे जो शायद करते होंगे, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे उनके साथ अगर आप काम करते हैं, यू विल सी द चेंज। एक्सपीरियंस इंसान के साथ काम करना, तो आपको देखने मिलेगा कि हाँ भाई क्या होता है। जिसके साथ, जिसको कुछ नहीं आता खुद, उसके साथ मत काम करिएगा। और नए हैं तो प्लीज़ बुक्स तो आपको, आप पढ़ते हो बुक्स है ना, बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। इवन हमारी एक बुक है स्ट्रॉन्ग्स फ्रॉम स्क्रैच, फ्री ऑफ कॉस्ट अमेजोन पे अवेलेबल है, किंडल वर्जन है, हार्ड कॉपी भी मत लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके पढ़ो। और क्या बोलें, उसकी भी लिंक हम दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक में, फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक की पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, मेरी लिखी हुई है। ओके, तो मतलब अब तो हमारी ऑडियंस के मज़े आ गएंगे भाई, आपको बुक दे रहे हैं, आपको हर एक चीज़ दे दिया लिंक के थ्रू, और क्या दे बताओ। इट्स जस्ट दैट हम चाहते हैं कि आप ज़बरदस्ती का कुछ गलत ना करिए जिससे लॉस हो जाए और प्रॉफिट में रहिए, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम पे इस पर इतनी फोटोज़ आती है ना आजकल, जो बड़े बड़े वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वहाँ दिखाया जाता है हम 1 करोड़ कमा रहे हैं, हम 8 करोड़ कमा रहे हैं, 10 करोड़। आप पूछिए पीएनएल स्टेटमेंट है क्या, लोग बोलेंगे नहीं है। अच्छा तो भाई यार ट्रेडिंग में स्कैम्स भी बहुत होते होंगे, बहुत ज़्यादा, तो बताइए कौन कौन से स्कैम्स हो रहे हैं। सबसे पहला और मतलब लिटरली मेरे एक जान पहचान के इंसान ने किसी के साथ किया था, और फिर मुझे पता चला मैं छोड़ दिया बंदे को आगे से, मैंने बोला भाई मैं तेरी कंप्लेन करूँगा, मुझसे लड़ाई करने लगा। और ये स्कैम होता है अकाउंट मैनेजमेंट का, मैं देखता रहता हूँ ठीक है। आजकल बहुत मैसेजेस आते हैं, लोग आपको बोलेंगे सर हम अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हैं ठीक है, आप हमें 1 लाख दीजिए हम आपका पैसा बना के देते हैं, हम सर 5 लाख रुपये आप हमें दीजिए हम आपका पैसा बना के देते हैं, आपका 5 का 10 कर देंगे सर आप दीजिए तो, आपसे आपके पैसे ले लेंगे, उस पैसे से कार खरीद लेंगे, और आपको बोलेंगे सर लॉस हो गया, अकाउंट ट्रांसफ़र लेंगे। भाई मत देना ये सब, अगर ऐसा है तो आगे वाला कभी पैसे नहीं लेगा आपसे, या कोई म्यूचुअल फंड अगर मांग रहा है तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये जो टेलीग्राम का स्कैम चल रहा है, टेलीग्राम में भी यही सब होता है, लोग आपसे पैसे मांगेंगे, बोलेंगे डबल करके दीजिए, ट्रिपल करके देंगे। एक होता है ये कॉल और टिप का स्कैम चलता है, कॉल और टिप मैं बताता हूँ क्या होता है। आपको आपका ना, आपने कहीं डेटा बेस डाला होगा उमर भाई अपना, लेट्स से कभी लॉग इन किया होगा कोई वेबसाइट पर, और डेटा बेस आपका बिक गया, 5 रुपये 3 रुपये के भाव में बिकता है ये डेटा ठीक है। और मुझे भी कॉल आता है डेटा खरीदना है क्या सर, और क्या बोलूँ, मेरे को कॉल आता है सर डेटा खरीदना है क्या, मैं बोला नहीं भाई मेरे सब काम ही नहीं है, ये डेटा को कोई बड़ी बड़ी कंपनीज खरीदती हैं, बड़ी भी कंपनी नहीं जो स्कैम करती हैं वो कंपनीज खरीदती हैं। अब डेटा बेस खरीद के वो क्या करते हैं ना, इनको कॉल करवाते हैं, वो कॉलर्स हायर करते हैं, उनको कॉल कराते हैं और उनको बोलते हैं कि सर हम आपको फ्री की सर्विस देंगे, हमारी रिसर्च्ड कंपनीज हैं, हमारी रजिस्टर्ड कंपनीज है, इवन वो आपको अपना सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे, बोलेंगे सर हम फुल्ली रजिस्टर्ड हैं, आपको रिसर्च कॉल करेंगे, आज शाम आप कल सुबह रेडी रहिएगा, बाज़ार ओपन होगा 10 बजे, हम आपको बताएंगे क्या खरीदना है और कब बेचना है, प्रॉपर रिसर्च करके सर आप देखना आपका काम करेगा, आपको 10 बजे कॉल आ जाएगा कल। आपने बोला ठीक है सर फ्री में क्या दिक्कत है,
दो बार आपका पैसा बनवाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपका 10,000-20,000 हो जाए। जब आपका 10-20 हो जाएगा फिर आपको बोलेंगे सर देखिए अब तो फ्री ट्रायल एक्सपायर हो गया, अब आपको ना अगर 3 सिग्नल और चाहिए तो 15,000 देने होंगे, ज़्यादा नहीं, आपसे 15,000 ले लेंगे। आपने बोलेगा 10 तो मैं बनाया था यार, 15 दे देता हूँ, 3 सिग्नल हो सकता है अच्छे गए, सही बात है, लॉस में गए कोई दिक्कत नहीं, फिर बोलेंगे। अब अगर अच्छे चले गए तो आप तो वापस से ख़रीद लोगे उनका जाके, अगर लॉस में चले गया, ठीक है वो तुक्का मार रहे होते हैं समझो, लॉस में चले गया तो वो बोलेंगे सर नहीं देखो फ्री ट्रायल तो आपका 3 ट्रायल तो एक्सपायर्ड है, अब वो वाला भी मेंबरशिप हमने बंद कर दिया है, अब आपको सिर्फ 50,000 का मेंबरशिप मिल सकता है और कुछ नहीं, जिसमें आपको 1 महीने मिलेगा, और उसके बाद जैसे ही आप 50,000 का लेते हो आपको फालतू के सिग्नल्स आते रहेंगे, और एक नहीं फिर वो आपकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, 50-50 दिन का देंगे। आप बोलोगे सर ये तो अच्छा नहीं गया, वो बोलेंगे इसके बाद वाला तो अच्छा गया, वो 50-50 भेजेंगे। ये रियल मार्केट में हो रहा है। एक मेल आया था मुझे, मेल मैसेज आते रहते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, एक से एक आते हैं, सर इन्होंने ऐसा किया था, मुझे पता चली अरे बाप रे, पहले 1-2-3 देंगे फ्री में, फिर आपको पेड में 2-3 देंगे, फिर आपका लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया जो भी हो गया, जब आपको वो 3 एक्सपायर होगा फिर आपको बोलेंगे कि 1 महीने का ले लो अनलिमिटेड मिलेगा। आपको ये समझ नहीं आएगा अनलिमिटेड का काम ही नहीं है, आपको क्वालिटी का काम चाहिए भैया, हर चीज़ कैसे ट्रेड करोगे आप। और वो आपको इतने सिग्नल दे देंगे, फिर एक एक्सेल शीट दे देंगे, सर हमने तो सही दिया था, इंसान पागल हो रहा है कि मेरी गलती थी। अच्छा ये सारे स्कैम के अलावा भी आजकल एक स्कैम और चल रहा है, सेलिब्रिटी स्कैम कर रहे हैं लोगों को, टेलीग्राम ग्रुप में बुलवाते हैं नॉल। यार सेलिब्रिटीज़ और जो पब्लिक फिगर्स होते हैं इनको प्रमोशंस आते हैं, प्रमोशंस में ये बोला जाता है सर हम आपको 50,000 देंगे एक स्टोरी लगानी है इंस्टाग्राम में। अब बताइए किसको पैसा नहीं पसंद, लोग ले लेते हैं, तो अब इनके पास होती रीच, इनको क्यों आते हैं लोग देखने, क्योंकि शायद इनको लाइक करते हैं एज एन एक्टर और एक्ट्रेस, ये उसका गलत मिसयूज़ करते हैं। अभी एक रीसेंट में स्कैम हुआ था, बहुत बड़े बड़े लोगों ने उस इवेंट को प्रमोट किया था जहाँ पर बोला गया था कि इलॉन मस्क आएगा, वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन, लोगों से 8,000-8,000 रुपये लिया गया, बोला गया कि आपको फंडिंग मिलेगी वहाँ पर, आप अपना स्टार्टअप आइडिया लेके आइए, बोला इलॉन मस्क आएंगे, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, अडानी आएंगे, और ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट किया, ठीक है। अब इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट किया, लोगों ने 8,000-8,000 रुपये की टिकट ले ली, लोगों ने तो 50-50 लाख रुपये तक लगा दिए, मॉडल बनाया, सब किया, वर्किंग मॉडल बनाया, फैक्ट्री तो छोटी फैक्ट्री बनाई, जो भी किया, आखिरी में क्या हुआ, इन्फ्लुएंसर तो अपना पैसा ले गया स्लॉट। अब कैसा हुआ, इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट करना चालू किया, लोगों ने 8,000-8,000 की टिकट लेनी चालू की, जो करवा रहा था उसके पास पैसे आए, उसने और इन्फ्लुएंसर हायर किए, जो 8,000 की टिकट सेल थी उसने इसको इतना बड़ा स्केल पे ले गया कि वो खुद पैसे कमा लिया, इन्फ्लुएंसर पैसे कमा लिया, लॉस किसका हुआ उमर भाई, जनता का। वो क्यों हुआ, क्योंकि लोग सोशल मीडिया में भरोसा कर लेते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बंद करिए। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप किसी पर्सन को जान रहे हो कि वो अच्छा कर रहा है, उसके बारे में ना सबसे पहले पढ़ो, पता करो, हर जगह सर्च करिए, और जब लगे ट्रस्टेड है देन आप एक बेट ले सकते हो, उसका प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। ऐसा ना लीजिए कि घर बार चला जाए, एक लिमिट लगाइए, 2,000-3,000 मैक्स, 1,500 मैक्स। के नाम पे भी बहुत लोग स्कैम करते हैं, मेरे नाम पे स्कैम करते हैं। मैं देखो उमर भाई, मैं चाहता नहीं था कोर्सेज बेचूं, है ना, क्या होता है मेरी जो स्टॉक वीडियो वायरल गई, 1.5 मिलियन व्यूज, आपके साथ एक वीडियो की पहली 1 मिलियन व्यूज, इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स गई हैं जो मिलियन व्यूज पे हैं, अब मेरे प्रोफाइल पे फॉलोअर्स आना चालू हो गए, ठीक है। मैं यूट्यूब पे कभी, आज 90 दिन हो गए मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो नहीं डाली, 20,000 सब्सक्राइबर्स अपने आप बढ़ गए, ठीक है। मैं ट्रेडिंग करता हूँ, लोग मेरे नाम का यूज़ करके कुछ भी बेच रहे हैं। अच्छा। लोग बोलते हैं शाश्वत अमरेव का कोर्स फ्री में अवेलेबल है, 500 रुपये दो हम आपको एक्सेस दे रहे हैं, कॉपीराइटेड है। अच्छा। और वो एक वीडियो देके छोड़ देंगे जो कोई मेरी यूट्यूब वीडियो होगी। ओके। मेरे नाम की प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बहुत सारे आते हैं आपको मैसेजेस, और ये सब फर्जी होते हैं। मतलब शाश्वत भाई थोड़ी मांगेंगे आपसे पैसा ट्रेड करने के लिए, यार 500 रुपये, पागल हो गया। लोग आपको आगे से, मेरी 15-20 प्रोफाइल्स हो गए हैं, आगे से मैसेज करेंगे, शाश्वत अमरेव बोल रहे हैं आपको क्रिप्टो में पैसे डबल करने, 2,000 दीजिए, 5,000 लीजिए। यार ये कौन सा सेंस होता है, 2 का 5। और शाश्वत भाई क्यों करेंगे, वो तो करोड़ मैनेज करते हैं वो क्या करेंगे। यार देखो सीधी सी बात है कि हमें ना सेफ रहना चाहिए, किसी पे भी आप पैसे लगा रहे हैं सोच समझ के लगाइए। और पहली बात, कोई अगर अच्छा ट्रेडर होगा, गाइस मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई अगर अच्छा ट्रेडर होगा आपसे कभी पैसे नहीं मांगेगा, ठीक है, या तो अकाउंट मैनेज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कभी नहीं बोलेगा आपको, ना तो आपको कभी टिप देगा, बोलेगा कि ये खरीदना है, ये बाय करना है, आप ये सिग्नल ले लो, ये सब कभी कोई अच्छा ट्रेडर नहीं करता। हाँ ये हो सकता है कि उसने एक फ्री कम्युनिटी बनाई हो जिसमें वो अपने मन से कुछ भेज देता हो, वो बात अलग है,
जैसे हमने अभी ये फ्री की शीट्स बनाए, हम दे दे रहे हैं अपने मन से, ये बात अलग है कि हेल्प हो जाएगी आपकी, बट आपसे पैसे ले रहे 25,000-30,000 आपको एक टिप देने के लिए, ये तो गलत है। अगर ऐसे ही टिप्स होते तो जो टिप देने वाला है वो शायद सही का प्लेन लेके नहीं घूम रहा होता, ये सोचिए। सही बात है। कितने की आती है प्राइवेट जेट? 100 करोड़ 200 करोड़? वो तो ले लेता अगर उसके टिप्स 100% एक्यूरेट होते तो। खुद अमीर नहीं बन जाता, आपको अमीर बनाने लगा है यार। तो ये सब चीज़ें से बच के रहिए, जो ऑडियंस है उनकी आँख खोलना बहुत ज़रूरी है और जो नया चालू कर रहे हैं। तो दोस्तों सावधान रहिए और सतर्क रहिए। आज का सेशन कहाँ चालू किया था, उसका एंड कर रहे हैं। हे दोस्तों, यदि कुछ वीडियो आए हो, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं भी आई है, कोई क्वेश्चन है, कुछ एडिशन करवाना चाहते हैं अपकमिंग पार्ट्स में जो कि ट्रेडिंग के रिलेटेड होगी, तो वो भी आप बता दीजिएगा, हम उसको भी आगे कवर करेंगे। अगर आप मेरे को और शाश्वत को फॉलो करना चाहते हो तो जितने भी लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। अंत में यही कहूँगा यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर कर दो। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड Cheers!